का पेड़ मंगल प्रतीक माना जाता है ऐसे में आम के पत्तों के इन उपायों को करने से आपको कई प्रकार के फायदे होंगे किसी भी शुभ कार्य में आम के पत्ते का उपयोग जरूर से जरूर होता है इन पत्तों को कलश में स्थापित किया जाता है घर के एंट्री गेट पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में आने वाले हर इंसान के साथ घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में आने वाली हवा आम के पत्ते को स्पर्श करती हुई सकारात्मकों को लेकर घर में आती है आम के पत्तों को कलश के जल में रखकर उसके ऊपर नारियल को चुनरी में लपेटकर रखा जाता है नवरात्रि के समय में मां की पूजा करते समय सुख समृद्धि के लिए कलश स्थापना की जाती है गणेश जी की मूर्ति के आसपास आम के पत्ते रखने से और मंदिर को आम के पत्तों से सजाने से घर में हमेशा धन धान्य बना रहता है शनिवार के दिन आम के पेड़ को प्रणाम करने से सफलता में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सफलती मिलती है यदि आपको प्रणाम करने के लिए आम का पेड़ ने मिले तो आप आम के फल को भी प्रणाम कर सकते हैं प्रणाम करते हुए आम के फल की जड़ों में जल भी डालें। आम के पत्तों को पवित्र माना जाता है हवन के दौरान इसके पल्लव से घी भी डाला जाता है और हवन के पश्चात इससे घर में जल का छिड़काव भी होता है